ये है क्लॉक टावर और सामने है छोटा इमामबाड़ा। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और अब हम चलेंगे चौक से होते हुए दुबग्गा की ओर। तो हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गूगल मैप के सहारे पहुँचा जाए भाई साहब। तो भाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, आम आ चुके हैं और यहाँ पे ना मच्छी मार्केट हो रहा है। देखो सब अपने अपने ब्लॉग में लग चुके हैं, लेकिन बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे। एकदम झूठ बोल रहा है भाई साहब, कभी सच बोलता ही नहीं है यार, मजा ही नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब लोग? जैसे कि आप लोग देख रहे हो सुबह सुबह हम लोग हैं तैयार, क्योंकि मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स मिलकर आज हम जा रहे हैं मलिहाबाद। जी आप में से क्यों ना, जो लखनऊ का जो मैंगो किंग है, जहाँ के फेमस वर्ल्ड फेमस आम है, हम वहाँ चल रहे हैं। तो चलिए आपको मलिहाबाद लेके चलते हैं और एक मज़ेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में है जो ये कड़क बारिश हुई है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो रात भर वो खड़ी अपनी स्कूटी। चलिए अब चला जाए भाई साहब, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हैं और अभी हमें पेट्रोल वगैरह भी डलवाना है। चलिए अब स्कूटी बैठते हैं, चलते हैं। तो इस टाइम पे हम ओल्ड लखनऊ आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रूमी दरवाज़ा, लखनऊ की आन बान और शान। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं रूमी दरवाज़ा, अभी हम बड़ा इमामबाड़ा क्रॉस किया, अभी हम क्रॉस करेंगे छोटा इमामबाड़ा, फिर हम पहुँचेंगे दुबग्गा, जहाँ पर हमें हमारे बाकी के टीम मेट्स मिलने वाले हैं। ये है क्लॉक टावर और सामने है छोटा इमामबाड़ा। अब हम यहाँ से लेंगे लेफ्ट और अब हम चलेंगे चौक से होते हुए दुबग्गा की ओर। मत्सल भाई हैं हमारे और ये हमारे ये बड़े साहब हैं, ये लगे हुए हैं कॉल पे। कैसे प्रदीप भाई? प्रदीप वर्मा व्लॉग से हैं, 120 के फॉलोवर्स हैं इनके। हाँ भैया की तरफ से पार्टी है, जो भी केला खाना चाहे खा सकता है। तुम्हारे अनूप भैया आ गए ईआर व्लॉग से। कैसे अनूप भैया, गुड मॉर्निंग। आज हमें BMW चलाने के लिए मिलेगी। और देखिए हमारे, अरे हैंडसम भाई, इस टाइम पे मार्केट में सबसे हॉट प्रॉपर्टी चल रहे हैं हमारे भैया। अनमोल भैया कैसे हैं? गुड मॉर्निंग अनमोल भैया। अभी हॉट चल रहे हैं कि जो है आधी पैंट चल गई। जय श्री राम चौरे भैया, आप तो गजब लग रहे हैं। अरे अरे पानी छोड़ो, पानी छोड़ो, पानी पीला। हम लोग दुबग्गा वगैरह से आगे आ चुके हैं, अभी इस जगह को हम क्रॉस कर रहे हैं, जगह का नाम है काकोरी। और यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ सामने की ओर, तो यहाँ पे है काकोरी पटाखा मंडी, जहाँ पे लखनऊ के सबसे सबसे सस्ते पटाखे मिलते हैं। तो हम दिवाली पे आएंगे आपको पटाखे दिखाने के लिए भाई साहब। यहाँ पे कभी कभी पटाखे जो है ना, कुछ कुछ पटाखे तो 50 पैसे से भी कम में एक पटाखा मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा रेट होता है। चलिए पीछे जो है आप पविंदर भैया जो है मेरे पीछे आके बैठ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो। बस हमारे अनूप भैया पीछे चल रहे हैं, वो हमारे एक तरीके से हम सब में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस अनूप भैया को ये ट्रैवल वगैरह का। हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गूगल मैप के सहारे पहुँचा जाए भाई साहब। हाँ ये पविंदर को मैप पढ़ना नहीं आता है, पता नहीं कौन लोकल गूगल गाइड बना दिया इसे। खैर कोई बात नहीं, गलती तो गूगल से भी हो जाती है। बढ़िया, तो हम लोगों ने मेन रोड छोड़ दिया, हम लोग अंदर की तरफ आ गए। तो हम लोगों ने जो है गाड़ियों की हल्की हल्की सी ऑफ रोडिंग कर ली, देख लो यहाँ से चढ़ा के हम अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं। और हमें आज इनवाइट किया था प्यारा लखनऊ वाले विवेक भाई ने, थैंक यू विवेक भैया। भाई साहब आप पहुँच चुके हैं, हम सारे के सारे ब्लॉगर्स यहाँ पे। दीपक भाई क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, वहाँ चल रहा है। दीपक मौर्य भैया हैं हमारे, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशु द ह्यूमन है, क्या हाल है भाई? तो हमारे प्यारा भाई जो है विवेक भाई सबके लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए हैं,
और सबसे ज्यादा प्यास लग रही थी प्रदीप भाई को बहता मंदिर कौन हमसे कह रहे हैं चलो रमन और वो ओ माय गॉड नहाए हैं कैसे मंदिर चले जाएंगे ओ माय गॉड रमन भाई नहाए बिना मंदिर चले गए क्या 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 दीपक भाई उसमें दो पैकेट नमकीन थे जो डाल दिए थे भाई बहुत बढ़िया बहुत बहुत शुक्रिया प्यारा भैया तो हमें मिल गई कोल्ड ड्रिंक भाई साहब का जाओ तो भाई जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है आम आ चुके हैं और यहाँ पे ना मच्छी मार्केट हो रहा है देखो सब अपने अपने ब्लॉग में लग चुके हैं लेकिन बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे सबकी ब्लॉगिंग बेहतरीन चल रही है और ये भाई ये काम खा रहे हैं और ये तो इस टाइम पे हम सब लोगों ने खूब सारे आम खा लिए सब अब थोड़ा जंगल की ओर निकल रहे हैं आशू भी आम कैसे थे ये बताइए जरा मजा आ गया सचिन भी आम बढ़िया थे बढ़िया बहुत बढ़िया आम था भाई बढ़िया अच्छी फिलहाल तो मुझे कच्चा वाला मुझे भी कच्चा वाला आपने शेयर किया कच्चा आम बहुत बढ़िया लग रहा था चलिए अंदर चलते देखते हैं लोग क्या करने में जुटे हुए तो यहाँ पे हमें भैया लेके आए हैं विवेक भैया प्यारा भाई और ये जो आम है इस वैरायटी को अम्रपाली या आम्रपाली कहते हैं ये भी एक वैरायटी होती है आम की भाई साहब लग बड़े खूबसूरत रहे मन कर ऐसे तोड़ के यहाँ पे खा लो लेकिन आई थिंक अभी ये हल्के से कच्चे हैं लेकिन लग इतने खूबसूरत रहे ना कि आपको क्या ही बताऊँ मैं गाइस बहुत प्यारे लगे तो ये नाशपाती हमने तोड़ा गिर के तोड़ा है भाई साहब खा के देखते हैं भाई बहुत मीठा है बहुत बहुत मीठा भाई साहब ताजा ताजा तोड़ा है ना मजा आया ना बहुत मजा आया भाई ताजा ताजा तोड़ा है और बहुत गजब मीठा है यहाँ हमारे प्रिंस भैया जो है सॉरी हमारे जो रविंदर भैया है वो पूरी तरह नेचर का मजा लेते हुए फायदा उठा रहे हैं बिल्कुल नेचर का तो यहाँ पे पन्ना बनाया जा रहा है आशु भैया भी शूट कर रहे हैं यहाँ पे बच्चल भाई भी कर रहे हैं अरे वाह 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 स्कीमें बताई जा रही हैं कैसे क्या रिवर्स करना है क्या नहीं करना पन्ना बन रहा है बहुत सही अब हम लोग जा रहे हैं मलियाबाद में क्रिकेट खेलने ये पीछे हमारी टीम चली आती हुई देख सकते हैं पीछे अनमोल भाई सॉरी भैया आशू भैया है आगे भी हमारे कुछ प्लेयर चलते हुए हमारी BMW दिखाई नहीं दे रही अभी ये देखो कच्चा आम खाया जा रहा है भैया ये नमक आप लेके आए थे इसे काट दो भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई इंट्रिकेट काम चल रहा है यहाँ पे कच्चा आम ये देखो भाई एकदम भाई वह दिखाइए ओ भाई साहब इनको खट्टा कैसे नहीं लग रहा अभी इतना खट्टा है ये तो यहाँ पे सबके लिए आम तोड़े जा रहे हैं एक बार भैया अपनी बोरी दिखाना आशु भैया क्या ले रहे हो हम लोग आम ले रहे हैं चटनी के लिए और वो ले रहे हैं ओम फो आराम से प्यारा भाई हम सबको दे रहे हैं भाई साहब भाई यू का लाओ तो ये देखो हमें जो बैग भर के भैया ने आम और अमिया वगैरह और नाशपाती वगैरह सब दे दिए हैं थैंक यू सो मच हम भाई को प्यारा भाई बहुत बहुत शुक्रिया प्यारा भैया थैंक यू सो मच आपने हमें बुलाया बहुत 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 अच्छा लगा प्यारा भाई आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया और इतने सारे आम दिए तो भाई लोग अब जो है हम लोग मलियाबाद से वापस निकल रहे हैं कुछ खाने का भी सबका मन है कभी कहीं लंच टाइप का कुछ तो खाएंगे हम लोग लेकिन फिलहाल हमारे जो मलियाबाद का ट्रिप है वो हुआ ख़त्म लेकिन अभी तो लखनऊ जाना बाकी है अभी तो मस्ती ब्लॉग में और भी बाकी है चलिए अब आपको बढ़िया सा रास्ता दिखाते हैं क्योंकि मौसम बादल और बारिश इन तीनों ने ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया है कितने प्राइसलेस बादल और इतने प्राइसलेस नज़ारे दिखेंगे कि आपको यकीन नहीं होगा नहीं आता यकीन तो चलिए देखिए तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कुछ बादल कुछ बारिश कुछ धूप का कॉम्बिनेशन ये जो बादल दिख रहे हैं ना इसको आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो इतने खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब इतना प्राइसलेस ये व्यू दिख रहा है कि क्या कहने बस मुँह से ना वाह निकलती है वाह भाई वाह
तो अनु भैया कैसा रहा अब तक का टोटल फुल डे? अब खाना खाने बैठे हम लोग। भैया बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरा प्लान नहीं था कि मैं राइड करके आऊँगा और अच्छी राइड हुई। और जितने भी लोग आए थे, जितने भी क्रिएटर्स भाई आए थे, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हम लोगों के साथ इतना टाइम दिया। थैंक यू सो मच। ये हमारी दो दाल आ चुकी है, हमारे पवेंद्र भैया हैं, शौर्य भैया हैं, दाल आ चुकी है हम सब की। और यहाँ पे हमारे लखनऊ विक्लिम से आशु भैया हैं और यहाँ पे हमारे रमन भैया हैं। कैसा रहा? सब बढ़िया रहा। तो हमारा जो खाना है वो आ चुका है भाई साहब, गर्मा गर्म तंदूरी रोटी, प्याज, दाल तड़का और शाही पनीर। भाई साहब चलिए लंच करते हैं, भूख लग रही बहुत तेज। तो भाई हुआ ऐसा है कि खाने का जो बिल है वो शौर्य भाई भर रहे हैं और सब लोग उनको पेटीएम या गूगल पे या जो भी UPI आप उन्हें कर रहे हैं। तो अगर जो भी लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से शौर्य भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, सुपर थैंक्स पे टैप कर देना और शौर्य भाई को हम डोनेशन देंगे। भाई तो ये जगह है काका ढाबा और ये आपको पेट्रोल पंप के पास मिल जाएगा। अब रमन भाई कौन सी जगह पड़ रही है? काकोरी? ये काकोरी नहीं पड़ रही है, ये आप कह सकते मेमूनगर ढाल। मेमूनगर ढाल ये जगह है भाई। यहाँ का खाना ठीक है, सर्विस थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन अगर आपको वेज खाना खाना हो यहाँ पे और आप इस रास्ते से गुजर रहे हो हरदोई वाले रोड से, यहाँ पे आप खाना खा सकते हो। ठीक है, बढ़िया है। तो अनमोल भाई से और पूछते कि उनका खाना कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, बताइए अनमोल भाई। भाई जो ये कह रहे थे क्या कह रहे हो आप? मैं खाना बहुत अच्छा बना था, सर्विस लेट थी, बाकी सब मजा आया, कॉस्ट के अंदर था, भरपूर मजा आया खाना खा के पूरा। एकदम झूठ बोल रहा है भाई साहब, कभी सच बोलता ही नहीं है यार। मुझे मजा ही नहीं आया। मेरा इस ब्लॉग पे तो हमारे ER ब्लॉग से अनु भैया भी कुछ कहना चाह रहे हैं खाने के बारे में। ये कहना चाह रहा हूँ कि खाना भाई इत्मीनान से वैसे अच्छा बनता, बट यहाँ पर क्या था ना कि थोड़ा मैनेजमेंट ठीक नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, हाईवे पे ऐसे आपको ढाबे मिलेंगे, बस आप इंजॉय करो, अपनी राइड पे ध्यान दो, जो आप करके आओ उस पर देखो, उन सब चीज़ों में मूड खराब करने की जरूरत नहीं है। बाकी खाना अच्छा था, नो डाउट, बस चीज़ें थोड़ी लेट थी, बहुत अच्छी थी भाई, आगे को भी आना चाहिए। और हम लोग जैसे ही खाना खा के निकले तो धूप और बादल, ओहो ये बादल जो है आप फोटोशॉप में भी नहीं बना सकते, इतने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ता जाएगा ये और खूबसूरत होते चले जाएंगे। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको गजब गजब का व्यू दिखाऊंगा और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो जो व्यू आ रहा है यहाँ पे इस टाइम पे बहुत प्राइसलेस है। मतलब तो इस तरीके की राइड पे आप जब कभी निकलोगे तो याद रखिएगा जो रास्ता है वो आपकी मंजिल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो गाइस ट्रिप से आने के बाद मैं नहा लिया हूँ भाई साहब और बहुत थक गया हूँ, लेकिन ट्रिप बहुत मज़ेदार थी। आई होप कि आपने ये वाला वीडियो यहाँ तक देखा और आपको वीडियो को देख के आया मज़ा। अगर ऐसा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, प्रांजल शर्मा ब्लॉग्स की फैमिली का हिस्सा बन जाइए, वीडियो को लाइक कर देना। मैं आपसे कल फिर भी हूँ एक मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग।